Hey, welcome class 4th. Today we read another story ahead of we had read previous days from chapter number 1st, Mulla Nasruddin. We read only two stories from three story, and today we read next story from the Mulla Nasruddin. Let's start. First of all, look here. First story, the wisdom of God. Second, the borrowed word. And this is last story from your chapter, the royal banquet. Now read. I explain in Hindi language in the short term. रॉयल बैंक्वेट मतलब एक विशाल भोज रखा गया था एमेर के द्वारा. एमेर एक जैसे मुस्लिम रूलर होता है, उनका हेड होता है, ठीक है. तो वहाँ पर सभी लोगों को इनवाइट किया गया था, मुल्ला नसरुद्दीन को भी. वहाँ क्या हुआ कि जब वहाँ पर ऑफिशियल्स लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को एक गंदे से कपड़ों में देखा, तो उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ उचित दूरी बना करके अपनी टेबल में बैठा, उसको दूर जितना हो सका उतना दूर बैठा ला. उसकी तरफ कोई ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया, और मुल्ला नसरुद्दीन जो है उनकी तरफ कोई किसी ने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि वो बहुत बुरे कपड़ों पहने हुए थे. इसकी जगह जो इम्पोर्टेंट पीपल थे उनको बराबर ध्यान दिया जा रहा था. ये सब देखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन चले गए अपने घर, और वापस से लौट कर फिर उसी बैंक्वेट में आए. लेकिन इस बार उन्होंने अपना ड्रेसअप अच्छा कर रखा था, एक सेबल पहन रखा था, बहुत इम्पोर्टेंट ड्रेसअप किया था उन्होंने, जिसको देख करके लोग एकदम चकाचौंध रह गए और उनकी आप भगत में लग गए. वही मुल्ला नसरुद्दीन जब गरीबों की तरह आया तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब वो अच्छे से ड्रेसअप करके आए तो उनकी आवभगत में सब लग गए. जितना हो सका एज सून एज ऑफिशियल मैनेजर सब एकदम उनके नहीं, जैसे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन आता है तो कैसे आवभगत होने लगती है, सब एकदम सभी लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन का कुछ इस तरीके से स्वागत किया जैसे कोई हाई रैंक का विजिटर आ गया हो. सभी ने ड्रम और बाजा के साथ उसमें उनका स्वागत किया. उसके बाद जो वहाँ के मेन थे चैम्बलेन, वो भी आए, उनका ड्रेसअप देखा, उनके पास मतलब वो भी उनके पास आकर के बैठे, उनके अवगत करने लगे, उन्हीं के पास की प्लेस में बैठे. एंड एप्रिसिएटिंग डिस वॉज इमिडिएटली प्लेस बिफोर हिम, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था कि वो कुछ बोले उससे पहले ही डिशेज रखे जा रहे थे उनके पास एक से. और फिर क्या किया, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना हाथ रगड़ा और खाता शुरू कर दिया. कैसे खाया, जैसे कि उन्होंने अपनी मुट्ठी भरी और मुट्ठी भरकर अपने टर्बन में रखा, मतलब पगड़ी में रखा, और खाना शुरू कर दिया. तो जो एमर थे, जो हेड थे, उन्होंने बोला, रूलर हेड रूल ऑफ मुस्लिम रूलर, उन्होंने कहा कि आपका खाने का तरीका कुछ नया है. तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, नथिंग स्पेशल, कोई नया नहीं है, ये बस उसके लिए था कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और दूसरा इसलिए था कि आपने मुझे खाना दिया खाने के लिए, और इसी तरीके से इसको शेयर करना ये डिज़र्व करता है. क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मतलब यहाँ मॉरल हमें ये मिल रहा है कि एवरी वन बी दे रिच और पुअर शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. कोई भी हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, उसको सम्मानजनक व्यवहार उससे करना चाहिए, स्पेशली इफ दे आर गेस्ट, अगर वो गेस्ट है तो. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द होस्ट टू ट्रीट एवरी वन विद इक्वल ऑनर. ये वहाँ के होस्ट की, जिन्होंने ये पार्टी अरेंज की है, उनकी ये ड्यूटी होती है, ये उनका कर्तव्य. नो वन शुड बी जजेस बाय हिज और हर अपेयरेंस, ये उनके रहन सहन से नहीं जज करना चाहिए कि वो क्या है कैसे हैं, एक जैसे करना चाहिए. इसीलिए मुल्ला नसरुद्दीन ने जो खाने का तरीका अपना रखा वो ऐसे ही रखा कि सब में समानता हो. भले ही उन्होंने ड्रेसअप बहुत अमीरों वाला किया था, लेकिन उन्होंने खाने के तरीके में ना जैसे वहाँ बैठ के खाते गंदे कपड़ों से, एक्चुअल जैसे थे वो, उन्होंने उसी तरीके से खाया. ओके, हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय स्टडी. गुड बाय.